हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उक्त आरोपी पर धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अधीन यह आरोप है कि दिनांक 4/5/17 को करीब 5:10 बजे वार्ड नंबर 12 इंदिरा नगर मंडीदीप में प्रिया नायर, जो कि आरोपी की पत्नी थी, ने विवाह के 1 वर्ष के भीतर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की और आरोपी ने उसका पति होते हुए उसे प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। प्रकरण में उल्लेखनीय निर्विवादित तथ्य यह है कि आरोपी का विवाह मृतिका प्रिया के साथ दिनांक 6/9/2016 को हुआ था एवं वे दोनों मंडीदीप में निवास करते थे। फुल स्टॉप। अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4/5/2017 को सुबह आरोपी उसकी पत्नी प्रिया मृतक को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लेकर गया। वहां इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर द्वारा उसे चेक करने पर प्रिया को मृत घोषित किया गया एवं हमीदिया अस्पताल से पुलिस को सूचित किया गया। फुल स्टॉप। तत्पश्चात कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सौ पंचनामा कार्यवाही की गई एवं सौ परीक्षण कराया गया। फुल स्टॉप। मामला थाना मंडीदीप के क्षेत्राधिकार का होने से पुलिस चौकी हमीदिया अस्पताल द्वारा मर्ग इंटीमेशन कोमा सौ पंचायत नामा कोमा सफीना फॉर्म कोमा सौ सुपुर्द नामा कोमा केस डायरी कोमा पर्चा तथा थाना प्रभारी मंडीदीप को प्रेषित की गई। तब मर्ग इंटीमेशन 44/17 दर्ज किया गया एवं जांच की गई कोमा जांच के दौरान प्रिया के माता पिता के कथनों से
यह प्रकट होता है कि आरोपी का विवाह प्रिया के साथ दिनांक 9/6/2016 को संपन्न हुआ था। विवाह के उपरांत कुछ समय आरोपी ने उसे अच्छे से रखा, परंतु बाद में आरोपी 2-3 दिन तक घर नहीं आता था और उसकी पत्नी से पूछने पर मारपीट कर प्रताड़ित करता था एवं आरोपी के मोहल्ले की किसी लड़की से अवैध संबंध थे एवं यह भी पाया गया कि आरोपी के किसी अन्य लड़की से संबंध होने के कारण एवं मृतिका द्वारा पूछने पर मारपीट कर प्रताड़ित करने के फलस्वरूप प्रिया ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, फुल स्टॉप। तब आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 612/17 धारा 306 भारतीय दंड संहिता का मामला पंजीबद्ध किया गया, फुल स्टॉप। अनुसंधान के दौरान साक्षी के कथन लिए गए, कौमा, आरोग्य अस्पताल मंडी द्वीप में प्रिया के इलाज संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए, कौमा, शादी कार्ड व अन्य दस्तावेजों को भी जब्त किया गया, कौमा, हमीदिया अस्पताल भोपाल में शव परीक्षण पश्चात बिसरा के सीलबंद पैकेटों को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालय प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया, फुल स्टॉप। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, कौमा, शेष साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण होने पर मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को प्रेषित किया गया, जहां से मामला सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, फुल स्टॉप। तत्पश्चात दिनांक 4/9/2017 को यह मामला इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ, फुल स्टॉप करा लेंगे। आरोपी पर पैरा एक में बताए अनुसार आरोप विरचित किए गए, उसने अपराध अस्वीकार किया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष एवं
झूठा फंसाए जाने का कथन किया है एवं बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।